हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर सेट्स। स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? जियोमेट्री में यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक में यूज होता है, स्टेटिस्टिक्स में यूज होता है, सीक्वेंस सीरीज में यूज होता है, हर एक जगह पे। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके बाद के जो टॉपिक्स है रिलेशन फंक्शंस, उसमें भी इसका यूज आएगा। द स्टडी ऑफ जियोमेट्री, सिक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम इसका यूज वापिस देखेंगे। द थियोरी ऑफ सेट्स वॉज डेवलप्ड बाई जर्मन मैथमेटिशियंस जॉर्ज कैंटोर्स। तो सबसे पहले जॉर्ज कैंटोर्स ने सेट्स को डिफाइन किया था। किस फील्ड में वो कैसे किया था? तो जब वो ट्रिगोनोमेट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तब। ही फर्स्ट एनकाउंटर सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट कंसीडर करते हैं ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो मैथमेटिक्स के एक स्मॉल पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7। तो ये ग्रुप जो बन गया उसे हम कहेंगे सेट्स। उसी तरह रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो उसका पूरा लिस्ट बना देंगे तो वो बन जाएगा आपका एक सेट। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू, ये अगेन एक ग्रुप बन गया है, फिक्स ग्रुप है, सो इट इज अगेन वन सेट। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, तो कोई भी ट्राइंगल जब बनाओगे तो वो किसी ना किसी ट्राइंगल्स में डिफाइन हो ही जाएगा। तो वो सब ट्राइंगल्स क्या होते हैं? एक सेट्स बन जाएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, ओके, सो 210 में प्राइम फैक्टर्स भी आएंगे, नॉन प्राइम फैक्टर्स भी आएंगे, इवन नंबर्स भी आएंगे, ऑड नंबर्स भी आएंगे। बट हमारा काम क्या है यहाँ पे, मुझे स्पेसिफिकली बोल दिया है सिर्फ 210 के जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें से मैं कौन से लूंगा? प्राइम। तो वो कौन से आएंगे? 2, 3, 5, 7। तो ये एक ग्रुप बन जाएगा जिसे भी हम कहेंगे सेट्स। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, 2, 3। तो दीज आर ऑल्सो स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथमेटिक्स। तो वो सब आप अच्छे से पढ़ के आए हो, जिसमें अभी से हम सेट्स कहेंगे, जैसे कि n, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर सभी आ जाते हैं। सिमिलरली z, सभी इंटीजर्स उसमें आ जाएंगे, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, जीरोस ले लो। q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, 1/2, 5/7, 3/10, सब। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो रियल नंबर्स में आ जाएंगे इरेशनल नंबर ऑल्सो, जैसे कि पाई, √2, √7, ये सब नंबर्स आर में आ जाएंगे। नाउ थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे सभी सेट्स को, जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। वैसे आप माइनस में भी सब ले सकते हो, है। Now definition. तो सेट क्या है? It is a well defined collection of object. Collection of well defined object we can say. A set is a well defined collection of objects. हमने अभी आगे देखा even numbers, natural numbers, वो सब थे, वो क्या था? Well defined किए गए, तो उसमें जो आंसर बन रहे वो है हमारे ऑब्जेक्ट्स। अभी सेट्स के लिए कुछ चीजें जो ये ध्यान में रखनी है, दैट इज ऑब्जेक्ट्स, जो अभी ऊपर बात की, एलिमेंट्स कह सकते हैं उसको, मेंबर्स कह सकते हैं सेट्स के, ओके, दे आर सिनोमियस टर्म्स, यानी वो फिक्स होगी, उसे हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड, जैसा अभी आपने आगे भी देखे थे, जो स्टैंडर्ड है उसमें एन जेड क्यू आर सभी कैपिटल में होते हैं। सिमिलरली उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होते हैं स्मॉल लेटर्स में।
ना बात करते हैं सेट और उसके एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन की. तो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए. पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे उसको, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट्स, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट. ओके, और ये बिलोंग्स टू डिफाइन, यानी बिलोंग्स टू को हम नोटेट करेंगे एप्सिलॉन सिंबल से. थस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए. अगर मान लो कि दूसरा हम एलिमेंट ले रहे हैं बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए. और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उसके ऊपर क्रॉस लाइन आ जाएगी, दैट इज डज नॉट. नाउ बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आगे देखा हुआ था, स्टेटमेंट वाइज होता है कुछ और कुछ लिस्ट वाइज होता है. तो जो लिस्ट वाइज होता है उसे लिस्ट फॉर्म कहते हैं, बट स्टैंडर्डली नेम इज रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म. और स्टेटमेंट वाइज होता है उसे प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं या तो सेट बिल्डर. और इन दोनों के स्टैंडर्डाइज कैसे लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म, तो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, लिस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा. सबको अलग अलग लिखना है तो बाय कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, और उनको किस में लिखा जाएगा, इन अ कर्ल ब्रैकेट में. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, तो कौन कौन से आएंगे, इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेस देन 7 से तो 2, 4 और 6, तो उन्होंने सेपरेट कर दिया कॉमा से, उनको ग्रुप बना के लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर. नेक्स्ट फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो इट इज सम प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे वो एक फिक्स प्रॉपर्टीज अलॉट करेंगे, उसमें जो एलिमेंट्स नहीं होंगे वो उस प्रॉपर्टीज को पजेस नहीं कर पाएंगे. इन अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट. जैसे मैंने कहा, अगर एग्जांपल हम ले ले तो AEIOU हमने सेट लिया है, तो ये क्या है, दे आर ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. ओके, एंड नो अदर लेटर्स पजेस दिस प्रॉपर्टी. और उसे अगर हम एक नाम दे रहे हैं वी, तो लिखेंगे कैसे इसको, तो इसको भी कर्ल ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, बट स्टेटमेंट वाइज एक्स, इसे पढ़ते हैं एक्स, वेयर एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. इसकी ज्यादा एक्सरसाइज में भी देख लेंगे, जैसे कि ये एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. तो पहले सेट्स है कि नहीं वो देखा जाएगा. सेट्स कैसे पता चलता है, अगर कुछ भी डिफाइन किया गया है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. तो जैसे फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर्स बिगिनिंग विद द लेटर्स जे. तो जो भी हमारे मंथ्स है, 12 मंथ्स है, उसमें से जे से स्टार्ट होते हुए कौन से मंथ है, इट इज जनवरी, जून, जुलाई. हर जगह पे यही होगा, हर एक के लिए यही होगा, यानी इट इज अ वेल डिफाइंड. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे इज जनवरी, जून, जुलाई, विच इज वेल डिफाइंड एंड हैज इट फॉर्म अ सेट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया. कुछ लोगों के लिए सस्पेंस मूवीज, सस्पेंस जो राइटर होते हैं, सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी राइटर, वो उनके लिए बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, और कुछ के लिए जो कॉमेडी राइटर्स होते हैं वो होते हैं. तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है, तो पर्सन पे जहां पे भी डिपेंड करेगा वो सेट नहीं होगा. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट डज नॉट फॉर्म अ चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अगेन सेम चीज हो गई, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड हर एक के लिए अलग अलग रहेंगे, हर एक पर्सन वाइज डिफरेंट डिफरेंट आएगा. सो इट इज अगेन नॉट वेल डिफाइंड. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हैड इट डज नॉट फॉर्म अ सेट.
नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, तो आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके नाम का लिस्ट बना लो, ओके okay? उनको लिख दो, तो आप आराम से लिख सकते हो, कहीं पे भी जाओगे तो आपके बॉयज, आपके क्लास के जो बॉयज है वो अभी के टाइम से वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो इट इज अ यूनिवर्सल हो जाएगा, सो इट डज नॉट चेंज बाय पर्सन टू पर्सन, सो इट इज अ वेल डिफाइंड, सो इट फॉर्म अ सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड एंड हैंड इट फॉर. Next, the collection of all natural number less than 100, so 1 से लेके 99 सब आ जाएंगे, so it is well defined, and so it form a set. Next, the collection of novels written by the writer Munshi Premchand, तो वो भी एक फिक्स नहीं आएंगे सभी, और फिक्स नंबर्स तक ही जाएंगे, so it is again well defined, so it is form a set. A collection of novels written by the writer Munshi Premchand is well defined and it form a set. The collection of all even integers, okay, so negative आएंगे, positive आएंगे, zero भी आ जाएगा, zero is also even number which is well defined and it form a set. कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे दे आर द फिक्स, कुछ दूसरे चैप्टर्स का आप यहाँ पे डाल दोगे तो इस चैप्टर का नहीं होगा, तो इट इज अ फिक्स वन, इट इज अ वेल डिफाइंड, सो इट इज विल फॉर्म अ सेट. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड एंड हैंड हिंस इट फॉर्म अ सेट. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सो अगेन डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो रेट होगा, चूहा की बात करें तो वो किसी के लिए डेंजरस होगा तो किसी के लिए पालतू हो जाता है, सो अगेन इट इज पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है, सो इट विल नॉट फॉर्म अ सेट. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हेंस इट डज नॉट फॉर्म अ सेट. Now next question, let A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, insert a appropriate symbol, epsilon matlab belongs to and not epsilon matlab does not belongs to or does not belongs to in the blank space. बहुत easy वाला है, हमारे questions है, उसमें हम check करेंगे कि भाई जो हमें first, हमें जो दिया हुआ है 5 sets के अंदर है, so it is belongs to. एट सेट्स के अंदर है नहीं है, मतलब द सिंबल जीरो नहीं है, फोर सेट्स में है मतलब टू सेट्स में है मतलब एंड टेन सेट डज नॉट बिलोंग टू सिंबल. नेक्स्ट विल बी कंसिडर इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास.